हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे 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 दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टोकन जो काफ़ी ट्रेंड्स पे चल रहा है, जो टॉप मीम्स कॉइंस पे भी कंसीडर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे द वर्ल्ड फर्स्ट लाइव स्पीड डोजकॉइन विद जीरो फीस एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। जी बिल्कुल, हम बात करने जा रहे हैं वीटा इनो के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी, अगर हम देखें जो BSE न्यूज़ की तरफ से जो लिस्ट शेयर की गई है, जहाँ पर ये टॉप जो ट्रेंडिंग कॉइंस है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाँचवें नंबर पर तकरीबन 16 मिलियन के साथ जो ये तकरीबन ट्रेंड पर चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, इसके ऊपर आपके साथ शेयर किया जाए भाई क्या कंडीशन से, क्या हालात में वीटा मूव कर रहा है, तो वो सारी की सारी बातें हम करेंगे इसी वीडियो में। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करें, अपने टॉपिक की तरफ मूव करें, आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि वीटा इन्वो या कोई भी कॉइन हो उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, कोई भी न्यूज़ हो, किस तरह का कोई भी कंटेंट वगैरह निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस चीज़ को मिस ना कर सके। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो भाई बात करें वीटा की, तो भाई वीटा की करंट प्राइस चल रही है तकरीबन 0.67 जीरोज़ के बाद तकरीबन 2058 की साथ करंट प्राइस चल रही है। तकरीबन 24 घंटों में 2.32% डाउन गया है। BTC के हिसाब से अगर हम देखें तो 4.06% की जो है, और Ethereum के हिसाब से अगर हम देखें तो 9.76% तक इसमें गेन देखने मिला है। लेकिन इसका अगर हम देखें तो भाई रैंकिंग चल रही है काफ़ी अच्छी, रैंकिंग चल रही है 797, क्योंकि मीम्स कॉइन जो होते हैं वो तकरीबन अबव 2000 होता है, लेकिन इसकी जो रैंकिंग चल रही है वो बिलो 1000 चल रही है। इट मीन ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग कॉइन दिखाई दे रहा है। तो वहीं पर अगर हम इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह चेक करते चले तो अभी के हिसाब से हम देखें तो भाई 30.22% भी 24 घंटों में इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी एक डाउन ट्रेंड की तरफ गया है। तो भाई इनकी तकरीबन दो चेन, एक Ethereum के चेन पे, BNB के चेन में और वीटा चेन में, दोनों चेन्स पे ये अवेलेबल है। तो बात करें इनके करंट कंडीशन में भाई ये क्या कुछ कम करता है, तो भाई ये फर्स्ट मीम कॉइन इन अ मेटावर्स, इनका कहना है कि मेटावर्स की दुनिया में हम पहले मीम कॉइन है, द फर्स्ट क्रिप्टो डिजाइनर क्लॉथिंग ब्रांड, इनका कहना है कि हम पहली क्लॉथिंग ब्रांड है क्रिप्टो डिजाइनर की, एज द मोस्ट एनर्जी इफिशियंट क्रिप्टो ऑफ देयर ज्वाइनर्स, इनका कहना है कि हम मोस्ट एनर्जी इफिशियंट एक क्रिप्टो है। तो भाई ये तकरीबन मैंने आपको जैसे बताया कि भाई ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, वाइट चेन पे और Ethereum चेन पे, इन तीनों चैनल्स पे अवेलेबल है, अगर आप जहाँ से भी चाहें इसको ले सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर लेना ना लेना वो आपका खुद का डिसीजन होगा। तो भाई इनका ये तकरीबन फोर्ब्स पे, इन्वेस्टिंग, बेंजिंग, याहू फाइनेंस, पब्लिक, 0x क्रिप्टो करेंसी और समथिंग और न्यूज़बिट वगैरह जैसी प्लेटफॉर्म पे इनको मेंशन किया गया है। तो वहीं पे अगर हम देखें तो इनका विनोवर्स भी है, जो VR चैट समथिंग इस तरह के इनके ऊपर काम करते हैं। अगर इनके देखें तो इनके पार्टनरशिप हैं विनो है, सेल्टिक है, कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन मूनर है, कॉइन गीको, कॉइन रैंकिंग, टिप, सिंप्लेक्स, नॉमिक्स, यूनिक्रश, एम्बर, डेक्स टूल, वेल्किन, कॉइन लॉर, क्यूपेड, मीम ट्राइब और टोकन मर्च और टोकन मार्क कैप थ्रू समथिंग, इस तरह की कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो इनकी क्या कर रहे हैं कि भाई इनके ऑफिशियली इनका कहना है कि मार्केट के में इनके जो हैं पार्टनर्स वगैरह भी हैं। अगर इनकी टीम में देखो तो काफ़ी सारी टीम्स हैं, लेकिन हम टीम की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसका जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा भाई, इनके जो गोल्स हैं जो भाई सेकंड क्वार्टर में 2022 का था, वो मल्टी चेन ब्रिज था, एक्सचेंज लिस्टिंग थी, उससे काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन अपकमिंग जो थर्ड क्वार्टर में इनकी जो चीज़ें हमें देखने को मिली है, वो देखने को मिला है कि भाई इनका कहना है कि विनू स्वैप ये लेके आ रहे हैं, उसके साथ अगर हम देखें स्टेकिंग प्रोग्राम है, मेटावर्स है, NFT कलेक्शन अवतार है, मार्केटिंग कैंपेन है, उसके बाद ये तकरीबन 2022 के लास्ट में ये तकरीबन मल्टी चेन ब्रिज डाओ के ऊपर काम करेंगे, विनो स्वैप के वर्जन के ऊपर काम करेंगे, स्टेकिंग रिवार्ड्स के प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे, मेटावर्सेस की ये गेमें भी लेके आ रहे हैं और विनो डिजाइनर ब्रांड और वी विनो ऐप इस तरह के कुछ लेके आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो इसके 2023 के लिए भी काफ़ी सारे गोल्स वगैरह भी हैं। तो ये इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, इनका सारी चीज़ों को ये आगे लेके आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये कुछ एक इनका एक शॉर्ट रिव्यू था इन, तो अगर मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनके लिए आपके लिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ, पूरी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बयां करूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तो मुझे पसंद है कि ये छोटी मोटी सी वीडियो थी, आपको पसंद आएगी, अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।